वाराणसी में अबू आजमी के खिलाफ में इनकम टैक्स की कार्रवाई तीसरे दिन भी जारी रही। सपा नेता अबू आजमी के सहयोगी विनायका समूह के वाराणसी में कई ठिकानों पर तीसरे दिन भी आयकर विभाग की जांच जारी रही। आयकर विभाग की टीम ने कागजात, मोबाइल और लैपटॉप कब्जे में लिए हैं। केयरटेकर अभिनव पांडे के विनायका स्थित कार्यालय में भी जांच जारी है। लखनऊ के अपर निदेशक इनकम टैक्स की अगुवाई में विनायका समूह के कार्यालय को कब्जे में ले लिया गया और इनकम टैक्स विभाग ने पहले सपा नेता अबू आजमी पर 160 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का आरोप लगाया था और इसको लेकर समन भी भेजा गया था। और इससे पहले साल 2018 में नवंबर और 2022 में आयकर विभाग ने विनायक ग्रुप की जांच की थी। चर्चा है कि उसी दौरान में कंपनी में आजमी की भूमिका सामने आई थी। तो सपा नेता अबू आजमी पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि 160 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का आरोप है और तीसरे दिन भी इनकम टैक्स की छापेमारी जारी है। तो तीन दिनों से लगातार कई ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीम छापेमारी कर चुकी है और कई डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं जिसमें कई डॉक्यूमेंट्स भी टीम के हाथ लगे हैं। और अब ताजा अपडेट ये मिल रही है कि कार्रवाई खत्म हो गई है, लेकिन टीम के हाथ कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिसको लेकर आगे जांच पड़ताल की जाएगी और उसमें टैक्स चोरी की बात भी सामने आई है। तो आय से अधिक संपत्ति और भी कई ऐसे मामले रहे जिसको लेकर शक जाहिर किया गया था, जिसके बाद फिर टीम ने छापेमारी की। तो कई बड़े एविडेंस टीम के हाथ लगे हैं जिसको लेकर अब सपा नेता अबू आजमी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। अबू आजमी से जुड़े हुए कुछ और भी लोग हैं करीबी, उनके घर पर भी छापेमारी की गई थी और अब माना जा रहा है कि अबू आजमी से जुड़े हुए कुछ और लोगों पर भी इनकम टैक्स की टीम का शिकंजा कस सकता है। और ज्यादा जानकारी के साथ में उपेंद्र जुड़ गए हैं लाइव। उपेंद्र, तीन दिन तक टीम ने छापेमारी की, कई अहम दस्तावेज भी टीम के हाथ लगे हैं, अब जांच खत्म हो चुकी है, क्या जानकारी आपको मिल पाई है, क्या अपडेट है अंदर खाने से, किस तरह के एविडेंस टीम के हाथ लगे हैं? बिल्कुल, देखिए 50 घंटे से ज्यादा लंबे वक्त तक की रेड चली। विनायका ग्रुप के ठिकानों पर छापेमारी की गई और जो विनायका का यहाँ पर ऑफिस है मलदैया में, जो केयरटेकर हैं यानी कि जो अबू आजमी के करीबी बताए जाते हैं अभिनव पांडे, उनके ऑफिस में, ये वो ऑफिस है जहां पर लगातार रेड चली और अब रेड के बाद यहां से टीम रवाना हो गई है, स्टाफ रवाना हो गए हैं, कई सारे कंप्यूटर्स, हार्ड डिस्क यहां से टीम ने लिए हैं। बताया जा रहा है कि करीब 750 पन्नों की फोटोकॉपी मतलब ले जाई गई है, यानी कि जो टीम की कोशिश थी, जो चर्चा है कि 40 करोड़ रुपए का हिसाब किताब नहीं मिल रहा था, वो फिलहाल उससे जुड़े हुए कागजात ले गए हैं। तो फिलहाल अब जो ऑफिस में स्टाफ है, क्योंकि स्टाफ को भी बाहर कर दिया गया था, दो दिन 50 घंटे ज्यादा चली थी, बात भी कर लेते हैं कि अब आप लोग ऑफिस में, टीम चली गई है, टीम चली गई है, तो क्या कुछ कागजात तो कुछ हार्ड डिस्क वगैरह भी ले गई? नहीं, मुझे कोई मालूम नहीं। आप लोग तो स्टाफ है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यही वो स्टाफ है यहाँ पर लगातार जो है 50 घंटे से ज्यादा वक्त तक जो है जो टीम की रेड थी वो जारी थी। और बताया जा रहा है कि न केवल यहाँ पर बल्कि वरुणा गार्डन के भी जो विनायका ग्रुप का ठिकाना है, ऑफिस है, वहां पर भी कुछ कागजात, कुछ हार्ड डिस्क लिए गए हैं। और जो चर्चा थी और जो आरोप था जिसको लेकर टीम साक्ष्य तलाश रही थी कि करीब 40 करोड़ रुपए का जो मामला था कि उसको हवाला के जरिए क्या वो रुपए प्राप्त हुए थे, तो हवाला के जरिए जो रुपए प्राप्त हुए तो उसको लेकर टीम ने पूछताछ की, तो जिसमें 120 करोड़ रुपए किससे जुड़े हुए तो कागजात ट्रांजेक्शन दिखा दिए गए, लेकिन चर्चा यह है कि करीब 40 करोड़ रुपए से जुड़े हुए कागजात विनायका ग्रुप की ओर से नहीं दिखाए जा पाए। और इसके साथ ही साथ कुछ हार्ड डिस्क थी जिसमें वो ट्रांजेक्शन मिले हैं। तो जो मुख्य जांच थी वो यही थी कि क्या मुंबई से बनारस तक क्या हवाला के जरिए 40 करोड़ रुपए आए हैं,
क्या ये हवाला की रकम थी, क्या ये अलग अलग समूहों में खपाई गई, क्या बिल्डिंग में, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में खपाई गई, और इस अगर खपाई गई तो इससे किस किस के तार जुड़े थे, यानी कि कई सारे बनारस के बड़े बिल्डरों के नाम भी आ रहे थे। तो तमाम सारी जांचों, तमाम सारे ट्रांजेक्शन्स की कॉपी लेकर जो लखनऊ की यूनिट थी आयकर विभाग की, वो यहाँ से रवाना हो गई है, लेकिन माना जा रहा है कि उसके हाथ में कई अहम सुराग लगे हैं और उन सुराग को पुष्टि करने के लिए उसको कागज की जरूरत थी और कई सारे कागज जब उसको मिल गए हैं तो माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में एक बार फिर हो सकती है, क्योंकि 5 साल में तीसरी बार विनायका ग्रुप में रेड है। और जो पिछली बार जब रेड पड़ी थी तभी चर्चा है कि जो इनकम टैक्स है उसको इस पूरे विनायका ग्रुप में अबू आजमी के शामिल होने की भनक लगी थी, सुराग मिले थे और उसी सुराग कसी के तहत ये 50 घंटे से लंबी जो है ये छापेमारी। और जब फिलहाल अब एविडेंस के आधार पर टीम जांच करेगी तो कुछ और भी नाम है जिनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया उपेंद्र आपका। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर वाराणसी से है। मुख्तार के जमानतदार ने प्रमाण पत्र दिया है, जमानत वापस लेने का प्रमाण पत्र दिया गया है। गोलघर कचहरी निवासी मंसूर अहमद है जमानतदार और कोयला व्यवसायी के भाई को धमकाने का यह पूरा मामला है। 12 अक्टूबर को VC के जरिए मुख्तार की पेशी होगी। तो कोयला व्यवसायी के भाई को धमकाने का यह पूरा मामला है जिसको लेकर 12 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार अंसारी की पेशी होने जा रही है। तो इसको लेकर प्रार्थना पत्र भी दिया गया है। इससे पहले भी 3 मामलों में मुख्तार अंसारी को 10-10 साल की सजा हो चुकी है। हालांकि MP MLA कोर्ट ने फैसला सुनाया जिसको चुनौती देते हुए मुख्तार अंसारी ने हाईकोर्ट का रुख किया। अब एक और मामला है जिसको लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार अंसारी की 12 अक्टूबर को पेशी होनी है।